हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सर्वो ट्यूनिंग के बारे में। सर्वो ट्यूनिंग की मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा डीप में कि क्या होता है प्रोपोर्शनल गेन, क्या होता है यहाँ पे इंटीग्रल गेन और क्या डेरिवेटिव गेन। तो ये अलग अलग टाइप के जो गेन्स होते हैं वहाँ आज हम उनकी बात करेंगे। साथ में ही हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन से लूप होते हैं सर्वो मोटर या सर्वो ड्राइव्स के अंदर। तो आइए चलते हैं आगे। तो दोस्तों, इस डायग्राम को पहले हम समझते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, ये डायग्राम क्या है कि कितने टाइम में जो हमारा पोजीशन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पोजीशन वाई एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के आपको ऊपर दिख रहा होगा टाइम। तो ये जो है ना, ये मोटर का एक तरीके से ग्राफ है कि कितने मिली सेकेंड टाइम में वो पोजीशन एक्यूरेसी को प्राप्त कर ले रही है। होता क्या, नॉर्मली सर्वो मोटर टेक सम टाइम, फाइनल में एडजस्टमेंट लेने में उसको थोड़ा टाइम लगता है, फाइनल जो उसकी पोजीशन होती है उसको रीच करने में। क्योंकि क्या होता है, कहीं पे भी जितना हम टॉर्क देते हैं या स्पीड जो रीच करती है उनमें कुछ ना कुछ एरर रहता है, जिसकी वजह से पोजिशनल एरर आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे उसी पोजिशनल एरर को, यहाँ पे नॉर्मली हमारा पोजिशन यहाँ पे होना चाहिए था, बट फाइनली यहाँ पे देखिए इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। पहले यहाँ पे आउटपुट बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर ये धीरे धीरे नॉर्मलाइज होता हुआ स्टडी स्टेट पोजीशन में आ रहा है। तो ये एक फाइनल पोजीशन है। तो ये जो टाइम आपको दिख रहा होगा, इतने टाइम उसको सेटलिंग टाइम हुआ है कि कितने टाइम में उसको फाइनल आउटपुट में वो सेट हुई है, जो भी हमारा मोटर है या जो है, तो किस तरीके से कितना टाइम ले रही है। तो इतने मिली सेकेंड, वो लगभग 600 मिली सेकेंड या 500 मिली सेकेंड ले रही है आउटपुट को स्टडी करने के लिए। साथ में ही अलग अलग पीक टाइम आपको दिख रहा होगा कि जहाँ पे भी जितने टाइम में वो सबसे पीक पे चले जाता है वो पीक टाइम है, फिर राइज टाइम है जहाँ से वो बढ़ना शुरू करता है, जो एक तरीके से कमांड है ना, कि कमांड हमारा एक तरीके से पोजीशन बढ़ती है फिर घटती है, बढ़ती है फिर घटती है, तो फाइनली इस तरीके से वो एक फाइनल पोजीशन पे रीच करती है। तो आप देख रहे होंगे जितनी हमारी टारगेट पोजीशन है, अगर उससे कुछ ऊपर जा रही है तो ये वैल्यू जो होती है वो ओवरशूट कहलाती है। कि टारगेट से अगर ऊपर जा रहा है, सपोज मैंने 10 mm पे उसको रोकना है और 10 mm से वो ज्यादा 20 micron पे चले जा रहा है सपोज, तो 20 micron इज अ ऑप्स, तो 20 micron इज अ ओवरशूट, तो ओवरशूट हम उसको बोलेंगे। तो आगे हम चलते हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था आपको, नॉर्मली ये अगर हमारा सेट पॉइंट है, जो भी पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली कुछ एरर्स डेवलप होते हैं, जैसे कि जो हमने सेट किया हुआ है और जो फीडबैक आया ये एनकोडर के थ्रू, जो भी मोटर में फीडबैक आया, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्यूरेसी इशू रहता है। तो एग्जैक्टली 0-0 कहीं पे नहीं होता है। जैसे सपोज हम किसी को भी अगर मोटर को हम बोल रहे हैं कि 10 mm मूव कर, तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल 10.0000 पे जाए, तो कुछ ना कुछ एरर उसमें रहेगा, चाहे वो 1 micron हो, 10 micron हो। तो यहाँ पे वही एरर होता है, उसी एरर को देखिए अलग अलग टाइप के हमारे पास प्रोपोर्शनल इंटीग्रल और डेरिवेटिव गेन्स होते हैं, जिसके कारण हम उस को एडजस्टमेंट करते हैं और जितना पॉजिटिव नेगेटिव वहाँ पे जितना भी हमें चाहिए होता है उसको हम फाइनली यहाँ पे फिर से उसको कंट्रोल सिग्नल देते हैं और वो फिर उस एरर को रिमूव करता है सिस्टम से। तो प्रोपोर्शनल में आप देख रहे होंगे, तो प्रोपोर्शनल में जो प्रोपोर्शनल गेन है वो यहाँ पे ये गेन है, तो यहाँ पे ये सीधे जो प्रोपोर्शनल होता है हमारा वो एरर के बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है, कि मतलब एरर जितनी ज़्यादा होगी सिस्टम में तो हमारा जो गेन होगा वो भी उतना ज़्यादा होगा। तो प्रोपोर्शनल एरर के साथ बढ़ता है, एरर कम होगी तो प्रोपोर्शनल जो हमारी वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी और एरर अगर ज़्यादा होगी तो बढ़ जाएगी। वैसे इंटीग्रल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा इसीलिए इसको इंटीग्रल बोल रहे हैं, तो ये एक इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो यहाँ पे 0 से T टाइम में जो भी एरर हुई है, तो यहाँ पे इस तरीके से इंटीग्रल उसको कैलकुलेट करता है और उसके अकॉर्डिंगली रेटिंग देता है। वैसे डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव क्या कर रहा है कि एरर को एरर का रेट निकाल रहा है। डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, टी के रिस्पेक्ट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इसको एरर कैलकुलेट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है। तो इस तरीके से एक क्लोज लूप सिस्टम होता है, इस जो कि फाइनली मोटर को जो भी पोजिशनल एरर उसमें डेवलप हुए हैं उसको एलिमिनेट करता है। तो जैसे कि प्रोपोर्शनल गेन के बारे में मैंने बताया था, प्रोपोर्शनल गेन क्या होता है कि ये
सिस्टम की स्टिफनेस होती है एक तरीके से। स्टिफनेस आपको पता होगा, जैसे कि हमें एक तरीके से स्टिफ मतलब कि जो जितना ज्यादा स्टिफ होगा उतना ज्यादा रिजिड होगा एक तरीके से। तो स्टिफनेस होती है, इट डिटरमाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजिशन एरर। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स होंगे, जो भी यहाँ पे डेवलप हो रहे होंगे प्रोपोर्शनल गेन से, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एरर के। मतलब कि जितना ज्यादा एरर होगा उतना ही ज्यादा हमें फोर्स वहां पे देना पड़ेगा उस एरर को रीस्टोर करने के लिए। तो उस एरर को हम कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे उतना ही ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स देंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इन्होंने समझाया कि जैसे स्प्रिंग में होता है, मैकेनिकल स्प्रिंग में या फिर कुछ और में इस तरीके के रिस्टोरिंग फोर्स होते हैं, वैसे सेम हम मोटर के लिए इसको सेट करते हैं। फिर ये बोला है, ए हाई प्रोपोर्शनल गेन गिव्स अ स्टिफ रिस्पॉन्सिव सिस्टम बट कैन कॉज इनस्टेबिलिटी फ्रॉम ओवर शूटिंग एंड ऑक्सीलेशन। मतलब कि यह है कि हाई प्रोपोर्शनल गेन जो होता है वो स्टिफनेस अच्छी देता है सिस्टम को, बट अगर ये वैल्यू ज्यादा होती है तो वहां पे, क्योंकि ओवर शूटिंग काफी ज्यादा होती है, जितना ज्यादा एरर होगा उसके लिए हमें उतना ही ज्यादा हमें रिस्टोरिंग फोर्स देना पड़ेगा, तो वहां पे ओवर शूटिंग ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे पोजिशन भी हमें और टॉर्क भी वो सब बढ़ जाते हैं, तो ओवर शूटिंग ज्यादा होती है, ऑक्सीलेशन भी ज्यादा होंगे। क्योंकि देखिए जितनी ज्यादा ओवर शूटिंग होगी उसको धीरे धीरे बैलेंसिंग करके धीरे धीरे कम करके ही लाना होता है, तो ऑक्सीलेशन हमारे बढ़ जाएंगे, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद आता है हमारा डेरिवेटिव गेन। तो डेरिवेटिव गेन क्या है, इज अ डैम्पिंग इफेक्ट। तो डैम्पिंग इफेक्ट जैसे कि आपने देखा होगा, डैम्प करना मतलब कि जहां पे कुशनिंग हम दे रहे हैं एक तरीके से, या फिर जैसे बोलते हैं ना इम्पैक्ट को कम करना, तो ये एक तरीके से डैम्पिंग इफेक्ट जनरेट करता है। जो भी हमारे ऑक्सीलेशन में एक तरीके से वाइब्रेशन होते हैं, तो वो वहां पे डेरिवेटिव गेन जो करता है उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा किसका, डेरिवेटिव ऑफ एरर। मतलब कि एरर का हमने डेरिवेशन एक तरीके से डेरिवेटिव किया हुआ है तो उसके प्रोपोर्शनल है। दिस फोर्स इज मच लाइक विस्कस डैम्पिंग। तो मतलब कि जैसे कि विस्कस डैम्पिंग होती है, नॉर्मली आपने देखी होगी विस्कस डैम्पिंग, मतलब कहीं पे फ्लूड या जिस उस चीज से अगर हम डैम्प करते हैं किसी भी अनवांटेड फोर्स को, जिसके कारण कुशनिंग मिले वहां पे इम्पैक्ट कम हो जाए, जैसे कि शॉक अब्जर्व होते हैं, तो कई तरीके की चीजें होती हैं, तो उस तरीके का ये इम्पैक्ट देता है। साथ में इंक्रीजिंग डेरिवेटिव गेन रिड्यूस ऑक्सीलेशन। जैसे कि मैंने बताया कि ऑक्सीलेशन इस तरीके से होते हैं, अगर आप इनको डैम्प करेंगे तो आप इनको नीचे ला रहे हैं, मतलब आप इनको जो ओवर शूट हो रहे हैं उनको कम कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है अगर ऑक्सीलेशन ज्यादा है आपके तो वो डेरिवेटिव गेन बढ़ने से वो कम हो जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें हैं। उसके बाद आपका आता है इंटीग्रल गेन। तो इंटीग्रल गेन इज अ स्टैटिक टॉर्क। नॉर्मली क्या होता है, जब हमारी एक्सिस या जहाँ पे भी बॉल स्क्रू लगा रहता है सपोज, और वहां पे मोटर लगी हुई है, तो कुछ ना कुछ स्टैटिक लोड होता है, स्टैटिक लोड होता है मोटर के ऊपर भी होता है, जो भी लोड उस एक्सिस का होता है, क्योंकि फ्री तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ लोड उस पर जरूर रहता है, तो उसको स्टैटिक लोड बोलते हैं। स्टैटिक टॉर्क लोड मतलब कि स्टैटिक रुकी हुई कंडीशन में जो लोड आ रहा है। तो यहाँ पे डायनेमिक लोड तो वो हो जाता है जब चलते हुए आता है, तो स्टैटिक मतलब रुकी हुई कंडीशन में जो आ रहा है। इट दोस्तों यहाँ पे ये यह बोला है, इट डिटरमाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स दैट इंक्रीज विद टाइम। टाइम के साथ क्या होता है, हमारे कुछ ना कुछ लोड बढ़ते जाते हैं, और स्टैटिक लोड आपको पता ही होगा कि जब सब चीजें न्यू रहती हैं तो थोड़ा सा लोड वहां पे कम रहते हैं, बट जैसे जैसे आपका वियर एंड टियर और ये सब चीजें बढ़ता है, मिसअलाइनमेंट होते हैं, तो वहां पे लोड बढ़ता जाता है। तो स्टैटिक टॉर्क जो ये बोलना है कि टाइम के साथ बढ़ता है। फिर एंश्योरिंग दैट द स्टैटिक पोजिशन एरर इन सर्वो लूप इज फोर्स टू जीरो। मतलब कि ये बोलना कि स्टैटिक पोजिशन एरर मतलब कि रुकी हुई मोटर के से कोई एरर ना आए उसको ये जीरो करने की हमेशा कोशिश करता है। दिस रिस्टोरिंग फोर्स वर्क अगेंस्ट कॉन्स्टेंट टॉर्क लोड टू हेल्प अचीव जीरो पोजिशन एरर। तो ये बोलना है कि जो ये फोर्स होते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ये कांस्टेंट टॉर्क लोड जो वहां पे लग रहे हैं उनके अगेंस्ट में काम करता है, जिसके कारण जो भी उस टॉर्क से कुछ एरर डेवलप होने वाली है वो नहीं हो, तो उसको वो बैलेंस कर देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटीग्रल गेन इंप्रूव पोजिशनल एक्यूरेसी,
एक्यूरेसी डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा, क्योंकि जो भी एरर है वहाँ पे स्टैटिक के, तो वो उसको एलिमिनेट कर रहा है। तो जहाँ पे भी स्टैटिक लोड बहुत ज़्यादा है एक्सिस के ऊपर, वहाँ पे इनकी वैल्यू हमें बढ़ानी पड़ती है इंटीग्रल गेन की, ताकि जो हमारे पोजिशन एरर हों वो मिनिमाइज हो सकें। तो इस तरीके से टॉर्क जो हमारा इंटीग्रल गेन होता है। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, नॉर्मली तीन तरीके के लूप होते हैं जो भी हमारे सर्वो सिस्टम होता है। तो वहाँ पे एक टॉर्क लूप होता है। नॉर्मली जब भी मोटर हमारे चलती है, सर्वो मोटर या सर्वो सिस्टम में जब भी चलती हैं, तो सबसे पहले वहाँ पर टॉर्क जनरेट होता है। तो टॉर्क वहाँ पर सबसे पहले जनरेट होगा, उसी टॉर्क से एक मोटर स्पीड जनरेट करेगी, और स्पीड जनरेट करने के बाद वो जहाँ पे भी रुकेगी तो वहाँ पे पोजीशन वैल्यू वहाँ पे जनरेट करेगी। तो सबसे पहले मोटर सेंस करती है टॉर्क को, उसके बाद स्पीड को, और उसके बाद पोजीशन को। तो इस तरीके से ये इस क्रम में चलता है। तो अब मैं इसमें बताऊँ थोड़ा सा और डीप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से इधर को चलूँ, तो देखिए ये हमारी पोजिशनल है जो हमें चाहिए थी, यहाँ से फीडबैक मिला। तो जो ये एरर है, पोजिशनल एरर है, पोजिशनल एरर को उसने दिया कि भैया इतनी पोजिशनल एरर है, तो इतना वेलोसिटी या स्पीड जनरेट करो इस पोजिशनल एरर को ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक स्पीड फीडबैक से आ रही है, ये देखेगा कि कितना अंतर है जो हमने जितनी स्पीड देनी चाहिए थी और जितनी स्पीड हमारी मिली है। तो जो भी डिफरेंस होगा वो इसको बोलेगा भाई कि इतना डिफरेंस है, तुम टॉर्क बढ़ाओ। अब हमने जितना फीडबैक टॉर्क था और जितना टॉर्क में डिफरेंस आएगा वहाँ पर, उतना हमें टॉर्क को और बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से काम करता है पोजिशनल एक्यूरेसी को सही करने के लिए। फाइनली हमें टॉर्क लूप में और स्पीड में हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, ताकि फाइनल पोजीशन हमारी अचीव हो सके। तो यहाँ पे आप देखते हैं सर्वो सिस्टम, यहाँ पे सर्वो मोटर लगी हुई है, कपलिंग लगी हुई है, यहाँ पे बॉल स्क्रू आपको दिख रहा होगा, ये बॉल स्क्रू लगा हुआ है, ये एंड सपोर्ट है। तो कुछ ना कुछ लोड इनके ऊपर, देखिए ये पूरी एक्सिस ने ट्रेवल करनी है, तो पूरा लोड इनके ऊपर रहता है। तो कहीं ना कहीं ये लोड मोटर के ऊपर भी आता है। तो यहाँ पे यही स्टैटिक लोड्स होते हैं, फिर बाकी इस तरीके की ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूँ, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया था कि व्हेन इज ट्यूनिंग रिक्वायर्ड। तो होता क्या है दोस्तों, ट्यूनिंग हमें हर समय रिक्वायर्ड नहीं होती है। कई बार अगर हमने कुछ सिस्टम में चेंजेस किए होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हमारा रिस्पॉन्स स्लो हो जाए, सपोज जो रिस्पॉन्स सिस्टम है ड्राइव के अंदर वो स्लो हो जाए, तो कहीं ना कहीं ट्यूनिंग की हमें तब ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो रिस्पॉन्स अगर ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें जो पोजिशनल एक्यूरेसी है वो हाई टाइम पे, जो पोजीशन हमें गेन होगी वो हाई टाइम उसको लग जाएगा, जो मिली सेकेंड से वहाँ पे मैंने दिखाए थे वो बढ़ जाएंगे, इसके कारण काफ़ी सेटलिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसमें कहीं ना कहीं हमें गेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको नॉइसी ऑपरेशन, जैसे कि कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा नॉइज डेवलप हो रही है ऑपरेशन के थ्रू, जैसे कि मैंने बताया था कभी हमिंग नॉइज जनरेट होती है, कई बार डिफरेंट टाइप की जो अबनॉर्मल नॉइज अगर जनरेट हो रही है, तो हमें ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ती है। वाइब्रेशन ऑक्सीलेशन हो रहे हैं, जैसे हमिंग साउंड या वाइब्रेशन आपके एक्सिस में या मोटर पे अगर आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगर ये नॉर्मली, क्योंकि तीनों चीज़ें जो ऊपर मैंने बताई हैं, स्लो रिस्पॉन्स, नॉइजी ऑपरेशन एंड वाइब्रेशन, ये तीनों चीज़ें होने से कहीं ना कहीं इस तरीके के अलार्म जनरेट होते हैं मशीन के अंदर, जैसे कि टॉर्क ओवरलोड। अगर आपका नॉर्मली जब हाई टॉर्क, जब भी मूवमेंट में, या तो टॉर्क ज़्यादा आ रहा है आपको, स्टैटिक टॉर्क बढ़ गया काफ़ी, तो इस तरीके से अलार्म आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के अलार्म आपने देखे होंगे, पोजिशनल एरर के जैसे अलार्म आते हैं, एक्सेसिव पोजिशन एरर, कभी पोजिशन मूविंग एरर आता है, कभी स्टॉपिंग एरर, तो डिफरेंट टाइप के एरर्स पोजिशन के आ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी यहाँ पर ग्राफ रिस्पॉन्स आप देख रहे होंगे कि अगर ग्राफ में आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा, देखिए जैसे नॉर्मली इस वेलोसिटी इस रास्ते जाने चाहिए थी, बट यहाँ पे एक्चुअल में इस रास्ते जा रही है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस यहाँ पे स्पीड में आ रहा है टाइम के साथ। तो यहाँ पे स्लो रिस्पॉन्स है और यहाँ पे हाई पोजिशनल एरर होने के चांस हैं। तो इस तरीके से इन इन चीज़ों को जब आपका हो, तभी आपको ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हम मोटर दूसरी चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा अलग हटके उसमें स्पेसिफिकेशन होता है, तो वहाँ पे ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। बट हर टाइम पे कुछ ना कुछ
आपको नॉर्मली बेसिकली चेक करना पड़ेगा कि अगर कुछ अबनॉर्मल तो नहीं है एक्सिस के ऊपर। अगर अबनॉर्मल है तो प्लीज ट्राई फर्स्ट दैट अबनॉर्मलिटी, तो प्लीज करेक्ट फर्स्ट दैट अबनॉर्मलिटी, बिकॉज इन दैट कंडीशन इफ यू ट्यून द मोटर देन फाइनली आफ्टर सम टाइम इट विल अगेन क्रिएट प्रॉब्लम। तो अगर आपका रूट कॉज इज अ जामिंग, एक्सिस जामिंग और नॉइजी ऑपरेशन ड्यू टू बियरिंग जाम, बॉल स्क्रू जाम और अदर मूवमेंट अगर हार्ड है, तो वहां पे फर्स्ट ट्राई टू करेक्ट दैट, देन ओनली इफ एवरीथिंग इज ओके मैकेनिकली देन यू गो टू सर्वो ट्यूनिंग। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।